लॉकडाउन के दौरान विराट तो कई नए एक्सपेरिमेंट्स और चैलेंजेस ले रहे हैं, लेकिन अगर आप विराट कोहली के बड़े फैन हैं तो आपको ये चैलेंज लेना ही पड़ेगा। मैं आपसे विराट कोहली के बारे में 6 सवाल पूछूंगा और देखते हैं कि आप कितने रिकॉर्ड बना पाते हैं विराट कोहली के साथ। मेरा पहला सवाल उसी के डेब्यू को लेकर है। आपको मुझे ये बताना है कि विराट कोहली ने जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था तो वो किस पोजीशन पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, किस पोजीशन पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू में। चलिए दूसरा सवाल ये कि हम सब जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सौरव गांगुली तीनों ही टीम इंडिया के सबसे बड़े कप्तानों में उनका नाम आता है, लेकिन इसके अलावा आपको ये बताना है, मेरा दूसरे सवाल है ये कि इन तीनों के बीच में एक और ठोस कड़ी है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और सौरव गांगुली को जोड़ती हुई एक बहुत ठोस कड़ी है, वो कड़ी कौन सी है, क्या है, ये मुझे आपको बताना है। मेरा तीसरा सवाल कप्तान विराट कोहली को लेकर, जब विराट कोहली ने टेस्ट मैच में पहली बार भारत की कप्तानी करी थी उस मैच में उन्होंने एक खिलाड़ी को पिक किया था जिन्होंने सबको हैरान कर दिया था कि ये प्लेइंग 11 में कैसे आए, उस खिलाड़ी ने उस टेस्ट मैच में अपना डेब्यू किया और उसके बाद आज तक कभी भी वो टीम इंडिया के लिए कोई भी टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, लेकिन उन्होंने कई आईपीएल के खिताब जरूर जीते हैं। आपको मुझे बताना है कि वो कौन सा खिलाड़ी है जब विराट कोहली कप्तान बने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए तो उन्होंने किस खिलाड़ी को टेस्ट डेब्यू दिया था। मेरा चौथा सवाल भी विराट कोहली के कप्तानी को लेकर ही है और वही टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी को लेकर। विराट के नाम पे एक बहुत अनोखा सा रिकॉर्ड है, एक ट्रिविया है कि वो कभी भी अपना प्लेइंग 11 पिछले मैच के जो प्लेइंग 11 होता है उसके बराबर नहीं रखते हैं, हर मैच में अपना प्लेइंग 11 चेंज करते हैं। आपको मुझे ये बताना है कि कितने टेस्ट मैच के कप्तानी के बाद उन्होंने वही प्लेइंग 11 टीम इंडिया में दोहराई, कितने टेस्ट मैच में कप्तानी करने के बाद विराट कोहली ने एक ही प्लेइंग 11 दोबारा रिपीट करी। मेरा पांचवा सवाल है कि हम सब जानते हैं और हम सबको याद है कि जब विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को अपने कंधे पर रखकर वानखेड़े स्टेडियम का चक्कर लगाया था 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन अब आपको मुझे ये बताना है कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जब दोनों साथ में खेले तो उन दोनों ने एक ही मैच में कितने शतक लगाए हैं। जी हाँ, विराट कोहली के नाम कितने सारे शतक हैं ये तो सबको पता है, सचिन तेंदुलकर के नाम पे भी शतक है। आपको मुझे बताना है कि इन दोनों ने एक ही मैच में मिलकर कितने शतक बनाए हैं। मेरा आखिरी सवाल थोड़ा सा अलग है, रिकॉर्ड्स को लेकर है। आपको मुझे बताना है, नहीं मुझे पता है कि आपको ये पता है कि विराट ने कितने कितने शतक बनाए हैं, आपको मुझे बताना है इस आखिरी सवाल में कि विराट कोहली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट लिए हैं। जी हाँ, कितने विकेट लिए हैं, ये गूगली जरूर है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ये मेरा आखिरी सवाल था मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका जवाब भी दे पाएंगे। अगर आपको आंसर्स का इंतजार है तो लीजिए, आंसर्स ये है। पहले सवाल का जवाब, विराट कोहली ने बतौर ओपनर डेब्यू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2008 श्रीलंका सीरीज में, वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड हो गए थे मैच के एक शाम पहले और तब विराट कोहली को कप्तान एमएस धोनी ने कहा कि उनको बतौर ओपनर वो पूरा सीरीज खेलना पड़ेगा। मेरा दूसरा सवाल, विराट कोहली, एमएस धोनी और सौरव गांगुली को जोड़ती हुई एक कड़ी, वो है 183। इन तीनों ही खिलाड़ियों का सर्वाधिक वनडे स्कोर 183 है, बहुत इंटरेस्टिंग कड़ी है। और तीसरा सवाल ये कि विराट कोहली ने किस खिलाड़ी को अपने टेस्ट मैच कप्तान के तौर पर जब डेब्यू किया था उन्होंने तो उन्होंने किस खिलाड़ी को टेस्ट डेब्यू दिया था, नाम है करण शर्मा। जी हाँ, करण शर्मा राइट आर्म लेग स्पिनर थे, एक ही टेस्ट मैच खेले और उसके बाद वो टेस्ट मैच कभी भी नहीं खेल पाए, अभी भी एक्टिव खिलाड़ी हैं, आईपीएल के खिताब काफ़ी जीते हैं, लेकिन करण शर्मा सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले हैं और वो भी सबसे पहला टेस्ट मैच जिसमें विराट कोहली ने कप्तानी करी है। अगला सवाल का जवाब वो है 38 टेस्ट मैचेस के बाद, जी हाँ 38 टेस्ट मैच तक विराट कोहली ने कभी भी एक ही प्लेइंग 11 नहीं खिलाया, बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए, डिस्कशंस हुए, लेकिन अपने 39th टेस्ट मैच में जाके विराट ने आखिरकार वही प्लेइंग 11 दोहराया जो पिछले टेस्ट मैच में था। मेरा पांचवें सवाल का जवाब,
कि सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ने एक ही मैच में मिलकर कितने सेंचुरियां लगातार लगाई हैं? इसका जवाब है बिग जीरो। जी हाँ, विराट कोहली और सचिन कई मैचेस इकट्ठे खेले, विश्व कप भी खेले, लेकिन कभी भी दोनों ने एक ही मैच में शतक नहीं लगाया है। और मेरा आखिरी सवाल का जवाब कि विराट कोहली के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कितने विकेट्स हैं? टोटल मिला के विराट कोहली के 8 विकेट हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, 4 वनडे इंटरनेशनल्स में, 4 T20 इंटरनेशनल्स में। जी हाँ, टोटल 8 विकेट। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने कई सारे सवालों के जवाब सही दिए थे, लेकिन अगर आपने सभी सवालों के जवाब दिए तो मुझे पिंग जरूर करना, मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नए क्विज चैलेंज के साथ। ABP News आपको रखे आगे।